साहब, ये फरमाइए कि कादियानियत जो है, इससे आपका कोई वास्ता पड़ा, कोई साबका पड़ा, इनके मुतालिक आप किस तरह से सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मेरा तजर्बा इस सिलसिले में हुआ वो ये था कि मैं फर्स्ट ईयर में गुजरांवाला इस्लामिक कॉलेज में दाखिल हुआ था, और ये 53 की बात है, और उसी ज़माने में कादियानी इस ज़्यादतियों की वजह से, उनके उनके एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से एक रद्दमल शुरू हुआ, तो वो फैलते फैलते इतना ज़्यादा फैला कि गुजरांवाला भी उसकी पूरी लपेट में आ गया लाहौर के अलावा। तो वहाँ एक बड़ी तादाद दीनदार तबके की भी थी, तो हमारे कॉलेज के तलबा ने भी वहाँ मुजाहरा किया, हड़ताल की, और उस उन जुलूस में शरीक हुए। तो फिर पहली बार मुझे ये पता चला कि ये एक अलग मज़हब है और इसके अकायद क्या हैं, तो उस वक्त फिर मैंने पढ़ना शुरू किया इनके बारे में। बाद में इसी एजिटेशन के नतीजे में फिर लाहौर में मार्शल ला भी लगा, और उस मार्शल ला में मौलाना मौदूदी साहब को और मौलाना अब्दुस्तानियाज साहब मरहूम को, इनको सजाए मौत भी हुई। वो पूरे पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी आलम इस्लाम को उससे बड़ा दुख हुआ, बड़ा रंज हुआ। फिर बाद में उनकी सजाएं जो हैं वो मुआफ़ कर दी गई। तो फिर उस सजा के ख़त्म होने के बाद फिर मैं इन दोनों हजरात से वहाँ लाहौर में मिला भी, तो उनके जज्बे उसी तरह बुलंद थे और वो उनके अंदर एक ईमानी कैफियत बहुत मुतासर करने वाली थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया कि ये क्या लोग हैं, इनकी अकायद क्या है। तो सबसे पहले जो जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया वो हज़रत अल्लामा इक़बाल का वो मज़मून है, इस्लाम एंड अहमदियत। और जब उन्होंने मज़मून लिखा तो उसके बाद मेरे ख्याल है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप इतने बड़े आलमी सतह के मुफक्कर और एक शख्सियत ऐसी हैं जिनकी तरफ हर शख्स रहनुमाई के लिए देखता है, और आपने ये फ़िरका वरीयत का क्यों लेवल अपना लिया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस ये है कि चूँकि आप मुसलमान नहीं हैं, आपको अंदाज़ा नहीं कि ख़त्म नबूवत का मकाम इस्लाम में क्या है, कि अगर कोई शख्स ये ईमान रखता हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो वो फिर ये भी ईमान रखता है कि वही का दरवाज़ा अब बंद है, और कोई शख्स अगर ये दावा करता है तो वो कज़ाब है, और कुरान हकीम अल्लाह ताला की आखिरी और मुकम्मल किताब है, ये दीन अल्लाह ताला का मुकम्मल दीन है, और अगर इस बुनियादी अकीदे के ऊपर ईमान कमज़ोर हो जाए तो फिर मुसलमान नहीं रह सकता। तो इस वजह से ये कोई फ़िरकावारियत का मसला नहीं है, ये बुनियादी अकायद का मसला, अकीदे का मसला है। तो फिर उन्होंने फिर सारी इसकी हिस्ट्री को भी ट्रेस किया है कि इससे पहले भी लोगों ने नबूवत के दावे किए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और उनके विसाल के बाद भी, लेकिन मुसलमानों ने उनको कभी तस्लीम नहीं किया। जिन हालात में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने पहले एक मुबल्लिग़ की हैसियत से, फिर एक मनाज़िर की हैसियत से, फिर एक मुसलह की हैसियत से वो अपने आप को बदल बदल कर पेश करते रहे, तो उसके बाद फिर आखिर में आकर पहले वो इनकार भी करता रहा कि जो अगर कोई ये शख्स ये कहे कि उनके बाद कोई नबी आ सकता है तो वो गलत होगा, वो झूठा होगा, वो मुसलमान ही नहीं है वगैरह, लेकिन ख़ुद उसने फिर कर दिया, ऐलान कर दिया। तो इस ऐलान के बाद फिर उनकी अपनी जमात के अंदर दो हिस्से हो गए, बाद ने कहा कि वो मुसलह तो थे, मुजद्दद तो थे, लेकिन वो नबी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा है कि मैं नबी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो हैं। लेकिन उन्होंने लिबादा इस तरह का ओढ़ा के पहले उन्होंने ईसाई पादरियों के साथ मुनाज़रे शुरू किए,
और ये साबित करने की कोशिश की कि वो इस्लाम के बड़े मुबल्लिग हैं। लेकिन जब कभी उनसे किसी ने ये कहा कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बड़े एक उल्लाज़म पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, उनके पास मौजज़ात थे, तो उन्होंने इस झुंझलाहट में और इस रद्दअमल के तौर पर इतनी सख्त ज़बान इख्तियार की है जो किसी शरीफ आदमी को भी जेब नहीं देती। और वो आज भी तहरीरी शक्ल में मौजूद है कि उन्होंने क्या कहा, उसका यादा करना या बयान करना भी मुनासिब नहीं लगता। लेकिन उन्होंने ये बरमला कहा है कि उनके पास कोई मौजज़े नहीं थे और उसकी नौज़बिल्लाह दादियाँ नानियाँ कस्बी औरतें थीं और वो फाहिश औरतों से अपने सर में तेल डलवाता था और वगैरह, बहुत नाजायज, उसके पास कोई मौजज़ा नहीं था। इसी तरीके से जिसके साथ उसको उसका तकाबल किया गया, किसी ने ये कहा कि जी शिया हजरात आपको नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि शिया अजीब लोग हैं कि वो मुर्दा अली नऊज़ बिल्लाह उसकी तरफ जाते हैं, उसे मानते हैं और जिंदा अली को नहीं मानते, यानी मुझे। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बात हुई तो उन्होंने उनके बारे में भी अजीब अजीब बातें शुरू कर दी कि वो उनका मौक़िफ़ गलत था, मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है, और अगर लोग लेकर आ जाएं नेज़े और भाले तो मुझे मार नहीं सकते, लेकिन वो दुश्मनों ने उनको मार दिया क्योंकि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। इस किस किस्म के उनके अकायद और उनके बयानात ऐसे हैं जो आम आदमी बग़ैर किसी तअस्सुब के भी पढ़े तो बहुत दूर हो जाता है, उनसे तल्लुक नहीं रख सकता। लेकिन एक सिलसिला सा बन गया, एक जमात बन गई है, एक माफिया सा बन गया है जो फिर उसके माली मफादात भी उसमें वाबस्ता हो जाते हैं, सोशल नेटवर्क में भी वो आ जाता है, जकड़ा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब इससे निकल भी रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि इसकी जो पहले कुव्वत हुआ करती थी किसी ज़माने में, वो अब नहीं रही, और बहुत ही एक बेदारी सी पैदा हो रही है, और लोगों ने उसके रद्द में भी जो कुछ लिखा गया है वो भी पढ़ना शुरू किया है, सुनना शुरू किया है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले एक तरफा सी कार्रवाई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे लोग आ गए हैं जो उनके अंदर तरबियत पाने के बावजूद, उन ख़ानदानों में पैदा होने के बावजूद, वो ये समझते हैं कि ये जो जैसे बाज़ लोग कहते हैं कल्ट है या एक नया मज़हब है, उसकी बुनियाद कोई नहीं है, तो उसको कितना भी मुलम्मा चलाया ना जाए वो छुप नहीं सकती उसके अंदर। इसी सिलसिले में फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 53 के बाद भी एक दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जो उन्होंने बड़ी जारहाना तौर पर, उनके बाद ऑफिशल्स ने और दूसरों ने जब सख्ती की तो फिर उसका रद्दअमल हुआ, उसके नतीजे में फिर एहतजाजी मुजाहरे वगैरह भी हुए। इसके बाद आप देखते हैं कि 73 के आइन के बाद 1974 में फिर एक ऐसी तहरीक चली जिसके नतीजे में फिर ये मामला पार्लियामेंट के अंदर गया, और उनकी जो क़यादत थी उस वक्त की, उन्होंने ख़ुद सबमिट किया अपने आप को पार्लियामेंट के इख्तियारात के सामने। ये नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाते, इनको इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट कौन होती है, ये कोई कानून का मसला नहीं है, ये अकीदे का मसला है, ये नहीं कहा, वहाँ चले गए और कहा जी हम अपने दीन को सही साबित करने की पोजीशन में हैं, हम करेंगे साबित। वहाँ पर फिर जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे याह्या बख्तियार साहब, वो इंतहाई काबिल वकील थे, बैरिस्टर भी थे, वैसे भी उनका बड़ा एहतराम था पूरे मुल्क के अंदर, तो वो फिर उन्होंने इसको स्पीयर हेड किया, और असेंबली के अरकान जो हैं वो उनको सुजेस्ट भी करते थे सवालात, और वो फिर उन्होंने उनके ऊपर जिरा की, उनकी अकायद के ऊपर जिरा की, बहुत सारे मामलों में उन्होंने उनकी तावीलें भी की, लेकिन वो तावीलें
इतनी बोधी थी, इतनी कमज़ोर थी कि किसी ने उसको कबूल नहीं किया। फिर जो कादियानी फ़िरके के अलावा जो लाहौरी फ़िरका था उसके सरबराह भी वहाँ आए, उन्होंने भी पार्लियामेंट के आगे सबमिट किया, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम किया। मतलब ये कि जब आप सबमिट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आप फैसला करेंगे फिर उसको भी मानते हैं। तो फिर उन्होंने उन पर भी जेरा की, जिसके नतीजे में फिर पार्लियामेंट ने उनको बिल इत्तेफाक गैर मुस्लिम करार दिया।